टोक्यो ओलंपिक की हुई रंगारंग शुरुआत। ओपनिंग सेरेमनी में भारत के 18 एथलीट शामिल। 85 मेडल इवेंट्स में भारत के 127 एथलीट करेंगे शिरकत। भारत के ओडिशा के तट चांदीपुर के LC-3 से आकाश मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 3 दिनों के भीतर दूसरी बार मिसाइल का किया गया सफलतापूर्वक परीक्षण। करीब 40 लाख से ज्यादा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के मुफ्त इलाज का योगी सरकार ने लिया फैसला। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दी जानकारी। पेगासस मामले पर विपक्ष ने नहीं चलने दी लोकसभा की कार्यवाही। सोमवार तक सदन स्थगित। राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। सैनिक स्कूल का किया शिलान्यास। 154 करोड़ की लागत से 50 एकड़ में किया जाएगा निर्माण। वाराणसी में पीएम मोदी ने 2 गांवों को लिया गोद। अब तक 4 गांवों को गोद लेकर पीएम बदल चुके हैं उनकी तस्वीर। सीएम योगी ने चयनित सहायक अध्यापकों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा पिछली सरकारों में नौकरियों पर था गैंग का कब्जा, अब प्रदेश में है कानून का राज। अयोध्या में BSP के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में लगे जय श्री राम के नारे। सतीश चंद्र मिश्र ने किया आगाज। वाराणसी को जल्द मिलेगी इंटर मॉडल स्टेशन काशी की सौगात। 3 मंजिल आधुनिक टर्मिनल में रेलवे स्टेशन, इंटर और इंट्रा बस स्टेशन के साथ बनेगा वाटर ट्रांसपोर्ट। सहारनपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वर्चुअल माध्यम से 890 करोड़ की 291 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के दिए निर्देश। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में 30 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। उत्तराखंड कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर कंफ्यूजन। केदारनाथ धाम में चल रहे आंदोलन को तीर्थ पुरोहितों ने फिलहाल के लिए किया स्थगित। 2 दिन के दौरे पर अपने गृह जनपद उधम सिंह नगर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। टिहरी में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन हो रहा प्रभावित। 7 कत्ल करने वाली शबनम की सजा के मामले में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिया दाखिल। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम से फर्जी पत्र जारी करने का मामला आया सामने। देवरिया के पटनी स्वास्थ्य केंद्र पर लोग बड़ी संख्या में लगवा रहे हैं वैक्सीन। अब मोबाइल पर बिना डेटा खर्च किए देख सकेंगे टीवी चैनल। शाहजहांपुर में कार ने 2 बाइक में मारी टक्कर। टक्कर से बाइक सवार पुल से नीचे गिरा। बुजुर्ग की पिटाई और दाढ़ी काटने का वीडियो वायरल होने के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया के हेड को दी बड़ी राहत। पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा शेट्टी के घर पर मुंबई क्राइम ब्रांच की छापेमारी। महाराष्ट्र में 2 दिनों में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से 129 लोगों की गई जान। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज पोर्टल www.zupuk.com। देश प्रदेश की बड़ी खबरें, राजनीति, क्राइम के साथ आपके गांव और कस्बे का पूरा हाल, सेहत और करियर की तमाम जानकारी, दिन भर ताजा तरीन खबरें कभी भी कहीं भी। तो आज ही लॉग ऑन करें www.zupuk.com।